वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 9. प्लीज एंश्योर दैट यू हैव वॉच्ड ऑल द फोर लेक्चर्स, लेक्चर 1 टू लेक्चर 4, बिफोर मूविंग अहेड विद लेक्चर 5. टुडेज टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव एटॉमिक मास. लेट अस रीड द डेफिनेशन. द रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स one atom of that element is heavier than 112 times the mass of an atom of carbon 12. carbon 12 kya hai? carbon ka ek isotope hai. to carbon 12 ko agar hum 12 equal parts mein divide karenge aur un 12 equal parts mein se agar hum ek part ka mass ko lenge, so that will be 1 by 12 part of that carbon atom. उसको, उस मास को हम एज अ स्टैंडर्ड लेंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द एटॉमिक मास ऑफ एनी अदर एलिमेंट. ठीक है, इसीलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ. कंपेयर करके कार्बन 12 का 112 मास के साथ मैं किसी भी दूसरा एलिमेंट का मास निकालने के लिए कंपेयर कर रहा हूँ, इसीलिए इसको कहा गया है रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव क्यों? क्योंकि आई एम टेलिंग द मास ऑफ एन एलिमेंट इन रेस्पेक्ट और इन कंपेरिजन टू द मास ऑफ 112th द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट रिलेटिव एटॉमिक मास. ये डेफिनेशन याद कर लो, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस एटॉमिक मास? द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट, जिसे AMU बोलते हैं या फिर सिर्फ यू से भी डिनोट करते हैं. हाउ इट इज डिफाइंड एज? द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 112th the mass of carbon atom C12, यानी carbon C12 का 1/12 part का जितना mass होगा उसी को हम बोलते हैं atomic mass unit. Okay, so learn these two definitions and these are very important for the exam point. अभी हम लोग calculate भी करेंगे कैसे हम रिलेटिव मॉलिकुलर मास को निकालेंगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. द रिलेटिव मॉलिकुलर मास और मॉलिकुलर वेट ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर देन 112th द मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ कार्बन 12. तो हमारा स्टैंडर्ड वेट क्या है? हमारा स्टैंडर्ड किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं? हम कार्बन 12, एक एटम ऑफ कार्बन 12 को, वन एटम ऑफ कार्बन 12 को हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उन 12 इक्वल पार्ट्स में से वन पार्ट का जो मास होगा दैट इज 112th ऑफ द मास, जिसको मैं बोलूंगा दैट इज द स्टैंडर्ड वेट. उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा किसी दूसरा एलिमेंट या कंपाउंड का मास को निकालने के लिए एंड दैट विल बी नोन एज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग द कैलकुलेशन. नाउ क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? डेफिनेशंस तो डेफिनेटली आ सकते हैं और न्यूमेरिकल्स भी इसमें से बहुत पूछे जाते हैं. सपोज द फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. तो पहला कंपाउंड चलो है तुम्हारा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. कॉपी में लिखते जाओ. हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4. ये हो गया कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला. लेकिन मैंने हाइड्रेटेड बोला, इसका मतलब उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ रहेगा. तो वो कैसे लिखते हैं? .5H2O. दिस डॉट इज एक्चुअली शोइंग अ वीक बॉन्ड, मतलब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और ये है कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिला हुआ है तो हमारा टोटल चीज़ हो गया हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. ठीक है, ये ब्लू कलर का सॉल्ट होता है हाइड्रेटेड वाला. अगर ये एनहाइड्रस हुआ, मतलब पानी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर नहीं रहा, अगर उसको बोलेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, तो वो सिर्फ होता है CuSO4. उसका कलर वाइट सॉल्ट होता है. ठीक है, तो नाउ आवर क्वेश्चन इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का मुझे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है. तो इसके लिए मुझे इंडिविजुअली रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है. तो कॉपर का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 63.5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. सल्फर का होता है 32. क्वेश्चन में दिया रहने के बावजूद भी तुम्हें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का याद रखना जरूरी होता है. ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन एटम का होता है 16 एटॉमिक मास. ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 1 और फिर इधर ऑक्सीजन है
तो हमें पता है 16. नाउ कॉपर कितना है, 1 कॉपर है तो हम लिखेंगे 63.5. ओके, सल्फर कितना है, 1 सल्फर है इसलिए 32. ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन है ना, तो वी विल राइट 4 × 16 बिकॉज देर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स. एक ऑक्सीजन एटम का 16, तो 4 × 16. उसके साथ क्या है, 5H2, तो 1H का वैल्यू होता है 1 AMU. तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो हम लिखेंगे 10 × 1. आई होप दिस इज़ गेटिंग क्लियर. इसको ब्रैकेट में लिख देंगे इसको भी, और फिर से एक ऑक्सीजन है तो वहाँ मैंने 16 लिख दिया. आई होप दिस इज़ क्लियर. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल सॉल्ट का यानी कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का मॉलिकुलर मास आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आ जाएगा 249.5. दिस इज़ द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. इसमें यूनिट लिखना कंपलसरी नहीं है, इट इज़ अंडरस्टूड विदाउट द यूनिट ऑल्सो. ओके, सो इट इज़ नॉट कंपलसरी टू राइट द यूनिट ओवर हियर. और यूनिट लिखने का मन है तुम यू लिख सकते हो, वैसे लिखने का ज़रूरत नहीं है. 249.5. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी आर सॉल्विंग इट. वेरी सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनियम सल्फेट का मास मुझे निकालने बोला है. अमोनियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे, देखो मॉलिकुलर फार्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पता होना चाहिए कि कैसे मैं मॉलिकुलर फार्मूला लिखूंगा. तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 होल ट्वाइस SO4. ये हो गया अमोनियम सल्फेट. अगर तुम्हें नहीं पता है हाउ टू राइट मॉलिकुलर फार्मूलाज, तो इस पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में है, इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में, वहाँ पहले देख लो. बहुत मैंने अच्छे तरह से वहाँ समझाया, एक्सप्लेन किया है हाउ टू राइट द मॉलिकुलर फार्मूला. उस टॉपिक को देख लो, उस वीडियो को, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा. दिस इज़ व्हाट अमोनियम सल्फेट. तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ वी विल सिंपली फाइंड आउट कितना नाइट्रोजन है. यहाँ देखो 2 है ना, दैट मीन्स 2 नाइट्रोजन है, तो 14 × 2. कितना हाइड्रोजन है, 4 × 8 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 1 × 8, क्योंकि 1 एक हाइड्रोजन एटम का मास है, तो 8 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 × 8. प्लस कितना सल्फर है, एक ही सल्फर है, 32. कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, सो 4 × 16. नाउ वी विल सिंपली सॉल्व दिस एंड वी विल गेट, हाउ मच विल गेट, वी विल गेट 132. दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम सल्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आई होप यू हैव कॉपीड दिस डाउन, यू हैव सॉल्व इट डाउन. डोंट कॉपी इट, सॉल्व बाई योर सेल्फ. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज केन शुगर, इसका मुझे मॉलिकुलर मास निकालना है. केन शुगर, केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11. केन शुगर कॉमन नेम है, ठीक है, एंड द फॉर्मूला इज C12H22O11. चलो इसको तुम लोग बना लोगे. कार्बन का होता है 12, तो कितना कार्बन है, 12 कार्बन है, दैट मीन्स 12 × 12. एक कार्बन का 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है. कितना हाइड्रोजन है, 22 हाइड्रोजन है, तो 22 × 1. कितना ऑक्सीजन है, 11 ऑक्सीजन है, तो 11 × 16. वी हैव जस्ट स्टडीड कि एक सिंगल ऑक्सीजन एटम का 16 एटॉमिक मास होता है. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 342. आई थिंक क्लियर हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बड़ा सिंपल है. तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में. मॉलिकुलर मास निकालने का एग्जाम में भी आता है, प्रैक्टिस करते रहना. मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना. वॉट इज द डेफिनेशन, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द परसेंटेज बाई वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट. देखो ये बहुत सिंपल है, क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें से, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर.
कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है वो मुझे निकालना है, कहाँ पर, वाटर में। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, बच्चे बच्चे को पता है H2O होता है वाटर का। तो इसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मुझे निकालना है। परसेंटेज मतलब कैसा परसेंटेज, देखो डेफिनेशन में पढ़ेंगे, परसेंटेज बाई वेट, यानी मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट का मुझे परसेंटेज निकालना है। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, दो हाइड्रोजन एटम्स है तो उसका, अच्छा सबसे पहले मैं टोटल इस मॉलिक्यूल का मास निकाल लूँगा। तो दो हाइड्रोजन है, 2 × 1, और ऑक्सीजन एक है तो 16, इसका मास कितना हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का, 18, ठीक है। सो 18 इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और मुझे निकालना है सिर्फ हाइड्रोजन का परसेंटेज। तो हाइड्रोजन का कितना यहाँ पे मास है, 2 × 1, दैट मींस 2 हाइड्रोजन है और टोटल मास कितना है 18, अभी हमने कैलकुलेट किया, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 2/18 × 100, दैट विल गिव मी 11.11%, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि आप इसको ग्राम्स के टर्म्स में निकालो तो मैं लिखूंगा 11.11 grams, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज निकालने बोला है तो आई विल लीव इट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ओके, नाउ यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स, आई हैव नॉट रिटन द स्टेटमेंट्स ओवर हियर, यू हैव टू राइट लाइक द स्टेटमेंट्स इन दिस वे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो तुम इसको कैलकुलेट करोगे इक्वल्स टू दिस थिंग, उसके बाद लिखोगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 मतलब सिर्फ H2 है तो उसका क्या हो जाएगा 2, तो उसके बाद फिर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, दैट इज 2/18 × 100 विल गिव मी 11.11, ठीक है। स्टेटमेंट्स वगैरह तुम लोग लिख लोगे आई थिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया में कितना नाइट्रोजन है उसका परसेंटेज बाई वेट मुझे निकालना है। यूरिया का फॉर्मूला जानना ज़रूरी है, याद कर लो, अभी यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ओके, दैट मीन्स देर आर टू टाइम्स NH2NH2, सो वॉट विल बी द फॉर्मूला, नाइट्रोजन का 14 होता है एटॉमिक वेट, या हाइड्रोजन का 1 होता है, चलो इसको तो हम लोग पता ही है, तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखना, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, नाइट्रोजन 1 है तो 14, हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1, कार्बन कितना है यहाँ पे, कार्बन 1 अभी कार्बन है 12, ऑक्सीजन है उसके बाद एक ऑक्सीजन है 16, फिर से नाइट्रोजन है 14, फिर से दो हाइड्रोजन है 2 × 1, दिस विल गिव मी, इफ आई सॉल्व दिस, दिस विल गिव मी 60, ओके, दैट मीन्स 60 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। मुझे क्या निकालना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज, कितना नाइट्रोजन है, यहाँ एक नाइट्रोजन, यहाँ एक नाइट्रोजन, दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14+14, ऊपर में 14+14, दैट इज 28, सो राइट द स्टेटमेंट, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज इक्वल टू, आई एम ओनली राइटिंग द न्यूमेरिकल पार्ट, स्टेटमेंट तुम लिखना, 28/60 × 100, वी विल सॉल्व दिस, वी विल गेट 46.66%, ठीक है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, नो कन्फ्यूजन, इस तरह का क्वेश्चन आता है परसेंटेज बाई वेट निकालने के लिए, बहुत सिंपल होता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ वाटर, वाटर का निकालना है इन हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स। नाउ वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन यहाँ पे बोला है हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा, मतलब कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें रहेगा। तो वॉशिंग सोडा में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है, सो द फॉर्मूला विल बी Na2CO3.10H2O। अब ये हो गया टोटल मॉलिक्यूल, इसमें मुझे वाटर का परसेंटेज मास निकालना है, यानी सिर्फ इस वाटर का। तो पहले तो मैं टोटल मास निकाल लूँगा, टोटल मॉलिक्यूलर मास निकाल लूँगा। वी विल राइट द स्टेटमेंट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा इज इक्वल टू 23, सोडियम का 23 होता है, दो सोडियम एटम्स हैं इसलिए 23 × 2, प्लस कार्बन का 12 होता है सो ओनली 12, प्लस 3 × 16 क्योंकि 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस
20 into 1, क्योंकि 20 हाइड्रोजन है, और 20 into 1 लिख लिया हमने। उसके साथ ऑक्सीजन कितना है, 10 ऑक्सीजन है, दैट मीन्स 10 into 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा 286, ठीक है, 286। ये हो गया टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा। अब मुझे सिर्फ पानी का निकालना है, तो वाटर मॉलिक्यूल कितना है यहाँ पे, हमने अभी किया वाटर मॉलिक्यूल को देखेंगे, इट इज़ 20 into 1 plus 10 into 16, ठीक है, 20 into 1 plus 10 into 16, दिस पोर्शन इज एक्चुअली द वाटर मॉलिक्यूल का, तो वो आ जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 20 into 1 plus 10 into 16, दिस इज द पोर्शन ऑफ वाटर आउट ऑफ व्हाट इज द व्हाट वाज द टोटल वेट दैट वी हैड जस्ट कैलकुलेटेड 286। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो दिस विल गिव मी फाइनली, इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, 62.9%, ओके 62.9%। सो दिस इज हाउ आई कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ और द परसेंटेज मास ऑफ वाटर इन हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स। आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पायरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। एम्पायरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फार्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो इन होल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। यानी अगर मुझे सिंपलेस्ट रेशियो में उसको प्रेजेंट करना है, सपोज मैंने उठा लिया ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है C6H12O6, दिस इज द फार्मूला ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, लेकिन ये सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं है। ये जो रेशियो अगर मैं देखूं 6:12:6, दिस इज़ नॉट द सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, 1:2:2:1, इजंट इट। तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो में अगर मैं फार्मूला को प्रेजेंट करूं, दैट इज C H2O, दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर और ग्लूकोज। तो दिस इज एक्चुअली द एम्पायरिकल फार्मूला, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला गिविंग द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर्स ऑफ द डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आई होप दिस वॉज C6H12O6 वॉज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड CH2O इज द एम्पायरिकल फार्मूला, ठीक है। तो एम्पायरिकल फार्मूला मास क्या होता है, एम्पायरिकल फार्मूला मास इज द मास ऑब्टेंड फ्रॉम द एम्पायरिकल फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, द एम्पायरिकल फार्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एम्पायरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, एम्पायरिकल फार्मूला से अगर मैं मास कैलकुलेट करूंगा तो वो हो जाएगा एम्पायरिकल फार्मूला मास। जैसे कि यहाँ पे CH2O, दिस इज द एम्पायरिकल फार्मूला, तो एम्पायरिकल फार्मूला मास कैसे निकालूंगा मैं, तो इसी का मास निकालूंगा, C मतलब कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 into 1, और एक ऑक्सीजन है 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एम्पायरिकल फार्मूला मास ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला से मास, मॉलिक्यूलर मास, तो मुझे फिर C6H12O6 का कैलकुलेट करना होगा। आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके। सो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क, प्लीज़ डू इट, ओनली अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। यूरिया का जो फार्मूला होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, CON2H4 लिख सकते हैं। देखो थोड़ी देर पहले मैंने किया था, दिस इज़ यूरिया, इसको लिख सकते हैं CON2H4, ठीक है, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ यूरिया। नाउ प्लीज़ कैलकुलेट, योर होमवर्क इज़ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया, ओके। So you will do this and you will send me your homework. You know where you have to send. Still I am writing sunando.debnar@yahoo.com. Okay. So thank you for watching. We will meet in the next video.